शस्त्र उठाने से पूर्व मेरे एक प्रश्न पर चिंतन अवश्य कीजिए। यदि मैं आपसे कहूं जो अश्वत्थामा मरा है वो वास्तव में आपका पुत्र नहीं, एक हाथी, तो क्या आपका जीवन आपको पुनः मधुर प्रतीत होने लगेगा? क्या आपका हृदय फिर से करुणा से भर जाएगा? यथार्थ कह रहे वासुदेव, वास्तव में मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं हुई। यदि आज आपके पुत्र की मृत्यु नहीं हुई तो कल होगी। विश्व में कौन अमर रहता है गुरुद्रोण? किंतु वास्तविक प्रश्न तो यह कि आपके जीवन के सुख दुख, आशा निराशा, ज्ञान अज्ञान, क्या सब कुछ केवल आपके पुत्र से बंधे? क्या आपके जीवन का दूसरा कोई मूल्य नहीं? क्या आपकी सारी शक्ति, सारा ज्ञान केवल आपके पुत्र के लिए? होश, मेरे कारण वो संसार में आया, उसने मुझे सुख सम्मान और स्नेह दिया। मेरे लिए जीवन में उससे अधिक महत्व का कोई नहीं। क्या प्रत्येक पिता अपने पुत्र से अधिक प्रेम नहीं करता? तो विचार कीजिए गुरुद्रोण, जिस पुत्र के प्रति आपको इतना अधिक प्रेम, उसे वास्तव में आपने क्या दिया? संपत्ति दी, सुख दिए, राज्य दिया, संस्कार दिए, विद्या दी, धर्म का ज्ञान दिया गुरुदेव। क्या आप उसे कुछ भी ऐसा दे पाए जिससे उसे आपके रक्षा की आवश्यकता ही ना? मानता सब अर्जुन तथा अंगराज कर्ण की भांति महान योद्धा नहीं बन पाते, किंतु आप अपने पुत्र को उचित निर्णय लेने का शिक्षण तो दे ही सकते थे। यदि आपने ऐसा किया होता तो आज आपका पुत्र धर्म का शत्रु नहीं होता और आपको भी अधर्म के पक्ष में रहकर युद्ध नहीं करना पड़ता। मैं अपने पुत्र अश्वत्थामा को सारे सुख देने की इच्छा रखता था वासुदेव। मेरे पुत्र अश्वत्थामा के प्रति मेरे मन में प्रेम के कारण, प्रेम तो उन्नति देता है, उचित अनुचित का ज्ञान देता है गुरुदेव। प्रेम होता तो आप भी अधर्म से नहीं बंधते और आपका पुत्र भी अधर्म से छूट जाता। वास्तव में ये प्रेम नहीं, आपके मन का मोह है। प्रेम और मोह के बीच क्या भेद होता है, क्या आपने कभी विचार किया? प्रेम से ही तो मोह का जन्म होता है वासुदेव। नहीं, वास्तव में जहां प्रेम होता है वहां मोह होता ही नहीं। प्रेम का जन्म करुणा से होता है और मोह का जन्म अहंकार से। प्रेम कहता है कि मेरे पुत्र को ईश्वर संसार के सभी सुख देंगे और मोह कहता है कि मैं अपने पुत्र को संसार के सारे सुख दूंगा। प्रेम कहता है कि मुझे अपने पुत्र पर गर्व और मोह कहता है कि मेरे पुत्र को मुझ पर गर्व। प्रेम मुक्ति देता है गुरुदेव, मोह बांधता है। प्रेम धर्म है गुरुदेव और मोह अधर्म।
आपने अपने पुत्र को आटे का घोल पीते देख अपनी साधना भंग कर दी थी। उसके स्थान पर अपने पुत्र को आटे के घोल से संतोष मानने की शिक्षा दी होती, अपनी साधना भंग करने के स्थान पर उसे संघर्ष करके कुछ प्राप्त करने का शिक्षण दिया होता, तो क्या आज आपकी स्थिति कुछ भिन्न नहीं होती? अपने पुत्र का भविष्य उज्जवल बनाने के प्रयासों में आप उसके चरित्र को उज्जवल बनाना भूल ही गए। आपके मोह के कारण उसके जीवन से धर्म नष्ट हो गया। लोभ, भय और लालसा का शिक्षण दिया आपने उसे और स्वयं भी उसी मोह के कारण वास्तव में आप गुरु तो कभी बन ही नहीं पाए, केवल शिक्षक बनकर रह गए आप। ऐसा क्यों कह रहे हैं वासुदेव? मैंने तो अपने संपूर्ण जीवन में अपने सारे शिष्यों को संपूर्ण निष्ठा से उत्तम बनाने का प्रयास किया है। गुरु वो होता है जो विद्या का दान देता है, विद्या का व्यापार नहीं करता। इसीलिए गुरु को अपने शिष्यों से दक्षिणा की आशा होती है, मूल्य की नहीं। किंतु आपने अपने अमूल्य ज्ञान का मूल्य निश्चित कर दिया। अपने ज्ञान के बदले में अपने शिष्यों से प्रतिशोध मांगकर आपने न केवल अपने जीवन में विष घोल दिया, अपितु अपने शिष्यों के जीवन में भी विष घोल दिया। और ये सब आपके मोह और अहंकार के कारण हुआ। आप गुरु नहीं हैं द्रोणाचार्य। जिस व्यक्ति के हृदय में अहंकार और मन में मोह तथा लालसा होती, उसके हाथों धर्म का कार्य तो हो ही नहीं सकता। इसलिए महर्षि भरद्वाज के पुत्र जैसे बाढ़ में डूबता हुआ व्यक्ति किसी वृक्ष को पकड़कर स्वयं की रक्षा करता है, वैसे ही इस अंत समय में धर्म को पकड़ लीजिए। आज समय है उचित निर्णय लेने का। मोह का त्याग कीजिए। मैं इसी क्षण आपके प्राण ले सकता हूं, किंतु मेरी इच्छा कि आप जीवन में एक उचित निर्णय स्वयं लें। यथार्थ कह रहे हैं आप। मेरा ही दोष था कि मेरे पुत्र अश्वत्थामा को दंड प्राप्त हुआ। अब समय आ गया है कि मुझे भी दंड प्राप्त हो। स्वीकार करने को सज हूं।